हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का स्वागत है डॉल्फिन अप्लायंस चैनल में। हमारी कंपनी डॉल्फिन अप्लायंस गुजरात भावनगर की सिटी है, वहां पे मैन्युफैक्चर करती है। सोडा मशीन है, सॉफ्ट आइसक्रीम, शुगर मशीन, जूसर मशीन, हर एक तरह की मशीन हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और हम ये वीडियो स्पेशली हमारी सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन 2019 मॉडल एडवांस फंक्शन वाली मशीन की वीडियो भी क्रिएट कर रहे हैं। तो इसकी हर एक डिटेल्स हम आपको जानकारी देंगे, इसमें क्या क्या न्यू फंक्शन है, मार्केट में क्या मशीन मिल रही है और ये हमारी मशीन में क्या न्यू फंक्शन है, तो इसके हम आपको जानकारी देंगे। तो आप पूरी वीडियो हमारी स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी वीडियो देखें। हम चाहेंगे कि जितना जल्दी हो पूरी वीडियो करें, 5 से 6 मिनट में पूरी वीडियो को पूरी कर दे रहे, हम उतना कोशिश करेंगे। देखिए, और आपको अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन के मिलती रहेगी और जानकारी मिलती रहेगी। सबसे पहले हमारी 2019 मॉडल आज तक की सबसे बेस्ट क्वालिटी की मशीन है। आज तक में हमने आज की तारीख में इस टाइप की मशीन कभी बनाई नहीं है और ना सेल की है। इससे सबके टोटली एडवांस फंक्शन वाली मशीन है। और किस तरह एडवांस फंक्शन है उसके हम डिटेल देंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे इसका जो हर एक मशीन इस टाइप की सिस्टम रहती है, और इसमें यहाँ पे जो बीटर रहते हैं, इसके अंदर पूरा स्टेनलेस स्टील ग्रेड का बीटर रहता है, जिसकी लाइफ रहती है 10 से 12 साल की लाइफ रहती है। जो प्लास्टिक के बीटर है उसकी लाइफ रहती है 2 से 3 साल मैक्सिमम रहती है, इसकी लाइफ रहती है 10 से 12 साल की लाइफ रहती है। दूसरे नंबर में इसके अंदर 7 इंच की टच पैड डिस्प्ले है, टैबलेट वाली डिस्प्ले, जिसके अंदर आप हर एक फंक्शन इसके अंदर ऑपरेट कर सकते हो। जैसे फ्लेवर कैसे बनाना है, आप न्यू है, आपको पता नहीं है फ्लेवर कैसे बनाना है, तो ये आपको डिस्प्ले टेबलेट बताएगा आपको कैसे फ्लेवर बनाना है, कैसे ऑपरेट करना है, कैसे मिक्सचर करना है, कैसे उसको बनाना है, हर एक जानकारी आपको ये टेबलेट डिस्प्ले बताएगा। उसको मिल्क शेक कैसे बनाना है, थिक शेक कैसे बनाना है, रेसिपी कैसे डिफरेंट टाइप की बनानी है, हर एक मशीन आपको फंक्शन इसके अंदर डिस्प्ले बताएंगे। कल सुबह आपकी मशीन में कोई फॉल्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, कि आपकी मशीन बंद हो गई या कोई ऑपरेट नहीं कर रही, ठंडा नहीं कर रही, क्या दिक्कत है, तो ये स्मार्ट मशीन आपको वो भी बताएंगे कि आपकी मशीन में क्या फॉल्ट है, उसको सॉल्यूशन कैसे करना है। ठीक है, आपकी मशीन में क्या फॉल्ट है, कैसे सॉल्यूशन है, मशीन आपको बताएगी कि ये फंक्शन में जाके आप इतना साफ को कम कर दो, 5 की जगह 3 कर दो, मशीन चालू हो जाएगी, या इसका हार्डनेस है वो 10 की जगह 7 कर दो, आपकी मशीन चालू हो जाएगी। मशीन में ऑटो फंक्शन ये भी है कि आपको जितना आइसक्रीम हार्ड चीज, जितना स्मूथ चीज, आप ऑटोमेटिक डिजिटल फंक्शन से सेट कर सकते हो। आइसक्रीम के अंदर कितना एयर भरना है, जैसे कि कहीं आइसक्रीम हल्का बनाना है आपको, कहीं हार्ड बनाना है, इसकी हेवी वेट बनाना है, क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, हर एक फंक्शन इसके अंदर आप ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हो। तीसरे नंबर में इस पे फंक्शन है टॉपिंग सिस्टम के, रेम्बो सिस्टम बोलते हैं जिसको, रेम्बो सिस्टम का इसके अंदर फंक्शन है। यहाँ पे इसके दो बाउल दिए गए रेम्बो फंक्शन के, आप आके देख सकते हो, आपको पूरा बताएंगे। यहाँ पे देखिए, इसके यहाँ पे दो बाउल दिए गए हैं, ये दोनों फ्लेवर के बाउल है, जिसके अंदर वेनिला और चॉकलेट फील होता है। ये देखो चॉकलेट का मटेरियल है इसके अंदर, इसमें वेनिला है, आप देख सकते हो उसके अंदर वोल्ट मीटर ने इसमें फील किया हुआ है, ये चॉकलेट है, वेनिला है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर हमने टॉपिंग से, इसके अंदर हम चॉकलेट का, चॉकलेट की फ्लेवर से उसके ऊपर हमें चॉकलेट का टॉपिंग डालेंगे, जिसका नाम है नटेला। ये नटेला की टॉपिंग से आप देख सकते हो पूरा, ये नटेला डाल दिया हमने। यहां पे ऑरेंज, यहां पे वेनिला का फ्लेवर है, इसके अंदर हम ऑरेंज का टॉपिंग डालेंगे, ऑरेंज का शरबत या कुछ भी टॉपिंग आप डाल सकते हो, फिलहाल तो हमने शरबत डाल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर फिलहाल हमने शरबत डाला हुआ है। यहां पे इसका दोनों फंक्शन दिया गया टॉपिंग डालने के लिए, यहाँ पे हमने दोनों फंक्शन दिए है टॉपिंग्स के लिए। यहाँ पे दो कोन होल्डर दिए गए जिसमें आप कोन रख सकते हो, ठीक है। और टॉपिंग्स आपने इसके अंदर टॉपिंग्स डाले, तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक कोन के अंदर टॉपिंग्स लेना, आपने आपके शॉप पे रेट रखा है कि भाई जैसे कि नॉर्मल तौर पे वेनिला है, चॉकलेट है, तो वेनिला का 15 रखा है, चॉकलेट का 15 रखा है, टॉपिंग्स वाले का 20 रखा है। अगर कोई कस्टमर आता है आपके वहां पे, टॉपिंग्स वाला चाहिए मेरे को फ्लेवर, तो आप यहाँ पे इसका पुश बटन दिया गया है, आप ये पुश बटन पुश करेंगे तभी टॉपिंग्स निकलेगा इसमें, अगर पुश बटन नहीं किया आपने तो टॉपिंग्स नहीं निकलेगा। हम सबसे पहले आपको एक कप
टॉपिंग्स बिना वाला निकाल के बताएंगे आपको, वेनिला का आइसक्रीम निकालेंगे इसमें से। वेनिला का आइसक्रीम निकाला हमने, देखिए इसके अंदर टॉपिंग्स नहीं है, ये विदाउट टॉपिंग्स कस्टमर को देना है आपको। अभी हम इसमें टॉपिंग्स वाला निकालेंगे, आपको बिना टॉपिंग्स वाला बिना रेमबोवर आपको निकाला। अभी हम रिंपल वाला निकालेंगे इसके अंदर से। रिंपल के लिए हम यहाँ पे पहले बटन दबाएंगे पुश का, यहाँ पे जो जेम का बटन दिया गया है वन जेम वन इसका बटन दबाएंगे। सरबत डाले अगर आप इसमें थोड़ा ठीक डालेंगे तो इसका लुकिंग और अच्छा आएगा, उठा और अच्छा आएगा इसके अंदर, ठीक है। अभी उसी तरह हमने चॉकलेट का फ्लेवर जो दूसरे टैब पे हमने चॉकलेट लगाया है उसको हम पहले विदाउट चॉकलेट विदाउट टॉपिंग्स विदाउट रिपल निकालेंगे। नॉर्मल निकालेंगे पहले, रिंपल बिना का निकालेंगे, ठीक है। ये देखिए इसके अंदर कोई रिंपल नहीं है ना तो कुछ, नॉर्मल फ्लेवर है, नॉर्मल सॉफ्टी जो बेचते हैं वो सब का है। अब देखिए पूरा बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है, ऐसा नहीं है बेस्ट क्वालिटी है। अब बड़े बड़े मॉल में बिग डोमेन से केएफसी में खाते हो उस टाइप का क्वालिटी टेस्ट है इसका। देखिए पूरा पूरा स्मूथी और क्रीमी आइसक्रीम है पूरा, और एकदम लो वेट है इसका, हैवी वेट नहीं, एयर फिल किया हुआ है इसके अंदर। अभी इसमें से हम रिंपल वाला निकालेंगे, यहाँ पे इसका रिंपल का दूसरा बटन है जेम बी, जेम ए है जेम बी है, यहाँ पे बी करके, और जेम सी है, और जब आप वॉशिंग करना है इसको ऊपर बाउल को जब रात को बंद करना है तो यहाँ पे नॉर्मल पानी डाल के आप जाम सी करेंगे तो ऑटोमेटिक पंप कंटिन्यू चालू रहेगा जिससे आपकी मशीन वॉश हो जाए। हम इसको पुश करेंगे बी को, बॉर्डर में हर एक जगह पे चॉकलेट हमने जो ऊपर डाला है वो चॉकलेट है इसके अंदर, ठीक है। ये थोड़ा चॉकलेट हमारा लूज हो गया है, आप जितना भी हार्ड चॉकलेट डालेंगे लिक्विड उसका उसका उठाव अच्छा आएगा, अच्छा उठाव दिखेगा उसका। यहाँ पे इसका सेटिंग मोड दिया गया है, ये रिंपल का सेटिंग मोड दिया है, जितना आपको स्पीड से लाना है इसको वो स्पीड से आप इसको ला सकते हो, उसको पुश करेंगे टाइट करेंगे तो स्पीड कम रहेगा, इसको ओपन करेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगा इसका, जो भी स्पीड से आप इसको रखेंगे वो स्पीड से आएगा मतलब इसका। इसमें हमें रेमबो वाला आइसक्रीम निकालेंगे इसके अंदर, वेनिला फ्लेवर है उसके अंदर ऑरेंज टॉपिंग्स वाला आइसक्रीम निकालेंगे। सबसे पहले इसका बटन पुश कर देंगे जैम का, यहाँ से कितना क्रीमी और सॉफ्ट आइसक्रीम एकदम,
और कहां तक हमने फील किया देखिए पूरा इसके अंदर ऑरेंज टॉपिंग से हमारे दिमाग फोटो आवाज हो गई पूरा देखिए अब देख सकते हो पूरा एकदम सॉफ्ट और क्रीमी स्किन हो इसके अंदर पूरा टॉपिंग ऑरेंज का क्लियर किया हुआ है इसके ठीक है तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की मशीन है स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑल फंक्शन डिजिटल वाले दिए गए आज की तारीख में इससे बेटर कोई मशीन मिलती नहीं होगा आप आज की तारीख में आप इस स्टेज पैक की मशीन इस फंक्शन वाली मशीन लेने जाते हो कोई ब्रांड में जैसे टेलर है डेनफोर्ट है या दूसरे कोई भी ब्रांड में जाते हो तो 7 लाख 8 लाख तक का बजट लेते हैं उस मशीन का वो हिसाब से हमारी मशीन की बजट आपको बहुत ही कम बजट है इसकी ठीक है आप डायरेक्ट हमारी कंपनी में कॉन्टेक्ट करिए आपको प्राइसिंग सब डिटेल अलग जानकारी मिल जाएगी और मेन चीज हम आपको रेसिपीज का बता देंगे थोड़ा इसमें कैसे रेसिपी फ्लेवर का बनाना है इस टाइप का हम फ्लेवर मशीन के साथ 10 किलो आइसक्रीम फ्री में देते हैं इस टाइप का इसमें रेसिपी यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे इसको बनाना है कैसे यूज करना है सब डिटेल इसके अंदर दिया गया है 4 लीटर दूध के अंदर 1 किलो पाउडर मिक्स करके मशीन से मिक्स कर देना है आपको और हमारी ये मशीन में आप ये सेम मटेरियल डालेंगे आपको मशीन में से 120 कप का क्वांटिटी निकलेगा 120 कप 120 से 185 125 कप निकलेगा इसके अंदर से और एक कप का कॉस्टिंग आपको 4 से 4.5 रुपया ईच कप एक कप आप जो बनाएंगे उसका कॉस्टिंग 4 से 4.5 रुपया हम आपको एग्जाम्पल भी बताएंगे किस टाइप का कप आपको भरना है इसके अंदर ठीक है इसका कॉस्टिंग कॉर्न मिल्क पाउडर इलेक्ट्रिसिटी एवरीथिंग इंक्लूड ऑन दिस प्राइस हर एक चीज इंक्लूड करके 4 से 4.5 मैक्सिमम 4.5 रुपए का एक कप मिलेगा आपको बनेगा सेल करो कम से कम 15 रुपए 15 में नहीं सेल करते तो 10 में सेल करो एक कप के आपको अंदर मैक्सिमम 5 रुपए का मुनाफा मिलेगा एवरीथिंग इंक्लूड सब खर्चा आदमी का खर्चा सब निकाल के 5 रुपया प्रॉफिट मिलेगा एक कप के ऊपर आपको और अगर टॉपिंग्स आप लगाते हो तो 60 पैसे की टॉपिंग्स एक्स्ट्रा होगी अगर टॉपिंग्स वाला आप 20 रुपीज में बेचते हो तो टॉपिंग्स वाला आपको 5 से 5.5 रुपए का घर में पड़ेगा कोई भी आप चॉकलेट लगाओ ऑरेंज लगाओ वही लगाओ कोई भी आप टॉपिंग्स इसके अंदर लगा सकते हो और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिससे आपको रोज नई नई प्रोडक्ट के लिए नोटिफिकेशन अपडेशन मिलता रहेगा हम क्या बनाते हैं क्या चीज है हमारे क्या कौन सा नई प्रोडक्ट है क्या फंक्शन है ये वीडियो हमने हमारे शोरूम के अंदर पूरा क्रिएट किया हुआ है ठीक है यहाँ पे हम दूसरी प्रोडक्ट भी सेल करते हैं जैसे कि सोडा मशीन है आप देख सकते हो सोडा मशीन है सोडा फाउंटेन मशीन है जिसके अंदर आप पेप्सी लिमका कोका कोला ऐसे फ्लेवर्स बना के मार्केट में सेल कर सकते हो ये फ्राइड आइसक्रीम मशीन है जिसके अंदर आप रोल आइसक्रीम बना सकते हो यहाँ पे तवा फ्राई रहता है पूरा पेन रहता है इसके ऊपर पूरा कोई भी आइसक्रीम लगा इसको आप तवा फ्राई आइसक्रीम भी सेल करके बना के मार्केट में सेल कर सकते हो ये नॉर्मल मॉडल की हमारे इसका प्रीमियम मॉडल की सॉफ्ट आइसक्रीम मशीन है जिसके अंदर आपको टॉपिंग सिस्टम रेनबो सिस्टम नहीं आता है जिसके अंदर जो हमने रेनबो बताया फिर स्टील का मीटर है 7 इंच का डिस्प्ले ऐसा सब नहीं आता है बाकी फंक्शन इसके भी स्टैंडर्ड क्वालिटी के रहेगा ठीक है तो बहुत सारी क्वालिटी बहुत सारे फंक्शन हमारे चीज स्टैंडर्ड क्वालिटी की फंक्शन की चीज देते हैं इसके अंदर भी जो कूलिंग प्लांट कंप्रेसर लगा है टेकमसा कंपनी का है मेड इन ब्राजील का जिसकी 2 साल की रिप्लेसमेंट की वारंटी है तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की मशीन है बहुत ही अच्छे फंक्शन है थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो